नमस्ते। आज सभी के सामने है मध्य प्रदेश कांस्टेबल का पेपर, तो कोशिश की जाएगी कि रेगुलर अपडेट होता रहे। और 2017 में जो पेपर हुए थे वो पेपर है ये, 19 अगस्त 2017 का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है, इसका टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो इसमें आपके जीके के क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, नीचे दर्शाया गया एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती या नातनी अथवा पोती पोते हैं। तो हमें हायरार्की देखनी है। ये हो गया सीता, ये वाली लाइन जो है ये है उनके बेटे की, बेटा या बेटी, और इसके नीचे जो है ये नाती पोते हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो नाती पोतों का है। तो देखते हैं, प्रियंका और सार्थक जो है, तो सार्थक तो इसमें है नहीं, ठीक है, सार्थक इसका नाती है, लेकिन प्रियंका, प्रियंका कौन है, बेटी है, तो ये वाला जोड़ा नहीं है। कुणाल और सरिता ये भी नहीं है, सरिता इनकी बेटी है। और आगे है हमारा मोना और राहुल, तो इसमें भी नहीं है क्योंकि राहुल इनके बेटे हैं, मोना यहाँ पर है। तो जो एक जोड़ा है पारुल और कपिल, यही है, तो ये इसका आंसर है, पारुल और कपिल। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा स्थित है बेतवा नदी के तट, ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो सूरज सेन ने इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, जैसे ये दिया हुआ है, तो यदि डिमांड को क्या लिख दिया है, DNAMED से मतलब उल्टा कर दिया है, तथा सप्लाई को LYLPPUS कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले Y, फिर T, फिर I, फिर T, फिर NAUQ, किसमें है, किस ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हुआ। और आपका प्रश्न आंसर इसमें से क्या होगा, फर्स्ट YTITNAUQ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं तरुण विजय जी, राजदेव सरदेसाई जो है एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और रजत शर्मा को आप सभी जानते हो, ये कौन है, इंडिया टीवी के वो हैं एंकर, और बहुत अच्छे से इनका एक आपकी अदालत कार्यक्रम भी चलता है। तो इसके आंसर का आंसर क्या हुआ, तरुण विजय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर है 7, लेकिन 2017 का है ये, इसलिए अब अपडेट हो गया है। अब कितना है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम इस तरह हैं, जरूर सुनिए। सबसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर एवं नगर हवेली, चौथा दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पांचवा लक्षद्वीप, छठवा पांडिचेरी जिसे हम पुदुचेरी बोलते हैं, सातवां और आठवां है लद्दाख। इसमें से दो अभी बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद ये दो राज्य अलग से बनाए गए जो अभी यूनियन टेरिटरी घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1935 में, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अभी उसमें कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार, राजीव शान्याल जी। अरविंद सुब्रमण्यम जो थे ये इसके पूर्व, इनके पहले यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे, और ये अभी हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी सभी जानते हैं, ये बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा से उत्तर प्रदेश से अभी नॉमिनेट हैं, और ये बहुत ज्यादा समाज सुधारक हैं, अपने सिद्धांतों को लेकर जाने जाते हैं कि अगर गलत है
तो गलत है, चाहे वो खुद की पार्टी के लोगों के द्वारा क्यों ना किया गया हो, तो उसका भी वो विरोध करते हैं और ऐसे सिद्धांतवादी लोगों का सभी सम्मान करते हैं और इसी नाम से ये जाने जाते हैं। और रघुराम राजन जी को सभी जानते हैं, ये पूर्व हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। रामजी ठाकुर, इनको दिया गया है 2012 में। कब दिया गया? 2012। ये 1956 से शुरू है ये संस्कृत का साहित्य अकादमी। मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी को दिया गया है। इनको कब दिया गया? इनको दिया गया था 2010 में। ये और प्रभुनाथ द्विवेदी जी, इनको दिया गया 2014 में। और हमारे रामशंकर अवस्थी जी, इनको दिया गया 2015 में। और इसका प्रश्न क्या है, इसका आंसर क्या हुआ? प्रभुनाथ द्विवेदी 2014। कौन सी कृति के लिए दिया गया था प्रभुनाथ द्विवेदी जी को? कनक आलोचन के लिए दिया गया था। और रामशंकर अवस्थी को दिया गया था वन देवी के लिए। और अभी रिसेंट जो दिया गया है 2019 में, वो दिया गया है पेन्ना मधुसूदन जी को 2019। पेन्ना मधुसूदन, और किस चीज के लिए दिया गया है? प्रज्ञा चक्षुम इनकी कृति है, उसके लिए दिया गया है। अगला डिस्कस करते हैं, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये है बुंदेला राजपूत के द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, तो ये कौन सी है? गुडविल चोटी विंध्याचल श्रेणी में जो है वो सबसे ऊंची है। हम बात करते हैं अगर कि बेल पीक कहाँ है, तो ये बेल पीक है आपकी कैलिफोर्निया। और कैस्केड रेंज जो है, ये भी आपकी उत्तरी नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के प्रमुख हैं। विक्रम सिंह उनके पहले थे, दलबीर सिंह उनके पहले थे, तो उसके बाद आए, और जो जनरल दीपक कपूर है, ये 2007 के समय पर। अगला प्रश्न है, एक विषम ज्ञात करना है। विषम मतलब जो उनसे भिन्न हो, भिन्न कैसा हो कि बहुत सारे, तीन ऑप्शन जो है वो समान रहेंगे, जैसे हाथी एवं चिंघाड़ना, ठीक है, घोड़े एवं हिनहिनाना, इनकी आवाज कैसी हो, ऊंट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। तो ऊंट क्या है? दहाड़ता नहीं है, शेर दहाड़ता है, तो ये यहाँ पर गलत हुआ। अगला प्रश्न है आपका, ये थोड़ा सा डिटेल में है, इसको बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश के 60 गांव शामिल किए गए हैं। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 खालिस्तान से परीक्षण किया गया था। तो कहाँ से परीक्षण किया गया था ये? अब इसका नाम अभी चेंज हुआ है, जिसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, जो कि उड़ीसा में है और बहुत फेमस है। ये इसका डिटेल से है, यहाँ से हमारे मैथ्स वाले क्वेश्चन लग जाते हैं, तो अन्य जानकारी आपको दूसरे पेपर में मिलेगी। और सभी के लिए विशेष रूप से ध्यान दें, सीपीसीटी की पेपर सीरीज ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, पटवारी पेपर सीरीज अभी रनिंग में है, और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रनिंग में चल रहा है, एएसआई का पेपर ऑलरेडी उसमें अपलोड किया जा चुका है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्टेनो का जो पेपर हुआ था वो भी उसमें अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारा वीकेंड स्टोरी में जो स्टोरी सुनाई जाती है, उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप लोग चैनल पे आए और वहां पर सर्च करें, आपको सारा मटेरियल मिलेगा। और मुझे सपोर्ट करते रहें, बार बार चैनल को देखें, अन्य लोगों को शेयर करें, और सभी का साथ मुझे जरूरी है, सभी ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और सीखते रहें। सीखना जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, हम सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, सीखते सीखते ही सब कुछ होता है। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि क्या है उचित क्या नहीं है, इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे, समय के अनुसार बातें होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।